गांव के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी, आज आपके आयन बीच आने के दो जरूरी विषयों को लेकर हम सब आए। पहला निर्णायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का 106वां समारोह। निर्णायक जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि यह सम्मान दिवस इस बार 22 तारीख को रोहतक पशु मेला ग्राउंड की पावन धरा पर मनाने का था। और साथियों, कई साथियों ने मेरे से बारी बारी पूछ लिया कि 25 ने क्यों नहीं बना, इन्हें 22 ने क्यों बना। साथियों, बारी बारी एक चीज कही जा रही है कि हम टकराव करते। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यही कहा कि चौटाला साहब जो 25 तारीख को समाज दिवस मनाते हैं तो हमें उनसे टकरना नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से और उस बीजेपी कांग्रेस से लड़ने के लिए जहां प्रदेश के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हैं। आज कमेरे को किसान को एक करने की बात है, उसके लिए 22 तारीख को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अपने सच्चे श्रद्धा से मन सबका। साथियों, आज की जो प्रदेश की परिस्थितियां बन रही, लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी मैं बैठा बुजुर्गों से पूछ रहा था कि उत्तराखंड उन्होंने किया माते तो बताने लगा कि मोटरसाइकिल 25,000 को भी खोनी भी पर भी 29,000 को चला का है और एक पर कोनी पूरे प्रदेश में हालात है कि शायद मोटरसाइकिल को चलान कोई भी 20,000 कम हो सकता है। जो आज फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लसीता है कोई 23,000 कोई 25,000 132,000 को भी कटेड हो। वही दूसरी ओर पर बात करें आपका ट्रैक्टर की, अभी मेरे ऊपर शरद जी से बोल रहे हैं, जब मैं एमपी हो तो आपने ट्रैक्टर में कमर्शियल बनाने को प्रयास करे पर एक मुहिम चलाई कि बड़े ट्रांसपोर्टर ने फायदो मिले, ट्रके यूनियन ने फायदो मिले, भी खातर कानून भी लागू कर दिया। भी टाइम पर एक महीने में पार्लियामेंट में लगातार ट्रैक्टर ले गई और नतीजा क्या है, सरकार ने कानून वापिस ले रखा, चौधरी देवीलाल की तरिया वापिस अपना ट्रैक्टर काटो पड़े। मतलब फिर ही सरकार की मंशा सामने, ट्रैक्टर को चलान कितने का कटेगा पिछले बाद 69,000, गुड़गांव में 53,000, फरीदाबाद में 71,000। अब बताओ किसान कठोर देवे 71,000-53,000। साथियों, आपको तो सिंपल असूल है कि सरकारी खजानों को बर्बाद करती है और इश्तियारा में मनोहर सरकार यात्रा में कि जन आशीर्वाद यात्रा है। मैं दारू पूछू, आपने गांव में होकर की होगी, खतर आशीर्वाद दे के गए है, ले के गए को मेरे लागू मैंने तो एक चीज समझ को नहीं आई कि आशीर्वाद लेने आए हो तो आशीर्वाद तो बुजुर्ग के पर के हाथ लगा के लिए जावे, लोगों में माला कोई पहनावे कोई छुए तो आशीर्वाद है, और अगर देना है तो की चीज को देना है, 80 लोगों की जान लेने को, 4 बार प्रदेश में जलाने को, अपने प्रदेश में नशे घर घर तक पहुंचाने को, हर रोज 3 रेप की घटना कराने को। आज अपना समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, बीजेपी नारा तो दे दिया बड़ा आसान है, 75 पार उसकी चीज खाकर 75 पार एसपीओ लिस्ट, इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आएगी एसपीओ, 80 नौकरी ही कर दिया, 12 75 पार 18 लगा 70 लगाया, हरियाणा का कितना 2 नौकरी कटा सर का ग्रुप डी आई नौकरियां की बात आई। मैं तो पहले दिन में कहूं वो सरकार डिंडोरो पीटे में ईमानदारी नौकरी लगाई, ईमानदारी नौकरी ईमानदारी कौन पढ़े लिखे युवा के साथ सबसे बड़े बेईमानों को रोकती
आज दसवीं की बारहवीं पढ़े लिखे की नौकरी जो है माड़ी की धोबी की पीएन की चपरासी की बेलदारी भी नौकरिया पर कितना पढ़ा लिखा बिठा दिया पीएचडी एमएससी एमटेक ईमानदारी है बेमानो है साफ साफ बताओ। मैंने एक चीज बताओ आज मैं दो डिग्री कर रखी है मास्टर और मैंने कोई भर्ती कर दे माड़ी पर तो पंडित को क्या फायदा हो माँ बाप तो लाख रुपए ऊपर खर्चे हुए मेरी पढ़ाई में बिगो भाई तो क्या आज नौकरी देनी ही तो पीएचडी करे हुए एमएलएमटेक करे हुए बच्चे ने इंजीनियरिंग की देखा मैं एसपी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर को नहीं लगाया हरियाणा का दो लग गया लग गया कोई गुजरात को पटेल कोई आंध्र प्रदेश को रेड्डी कोई तेलंगाना को चवेलो कोई यूपी बिहार को श्रीवास्तव पांडे साथियों समझने की जरूरत है दिन प्रतिदिन हमारे हिस्से की नौकरी भी हमारे हिस्से को पानी भी गया कितना हफ्ता आ रहा पानी बिजली की क्या हालात है मैं तो जब गांव में बड़ी बिजली का मीटर लगाए रखा था एक और सुनो जी एक पांच साल में एक नाड़ी को बंद को नहीं कर पांच साल को सारा तीन ये जी के कर दिया साहब आया मैं तो ये तो ये होगा मैं की जाने पर खानों को अच्छा साहब आया 200 आदमी मैंने एक ने बिना बिजली का मीटर लगा दिया है कमरा में आपने फिर कितना आंसर हो गया 500 700 900 अब कितना आवे अरे और फिर भी कौन ईमानदार सरकार सारी गुजरात की कंपनियां मित्र है बुजुर्ग युवा साथी हर चीज आदमी परेशान फिर भी घुमा फिरा के ईमानदार 5,000 करोड़ रुपया तो केला ओवरलोडिंग मैं खागी मांगी का फिर भी सरकार ईमानदार बिजली के मित्र को घोटाल दो 100 करोड़ को सामने आके फिर भी सरकार ईमानदार किलोमीटर शॉर्टेज की स्कीम को घोटाले देखा है हाईकोर्ट में भी मान लियो कि 1,000 करोड़ को घोटाले फिर भी सरकारी मांगता है आपने शेड्यूल कास्ट बच्चा की छात्रवृत्ति आवे 4 जिला को ऑडिट हो अब तक विजिलेंस डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर दी 25,000 करोड़ रुपए को घोटालो है फिर भी सरकारी मांगता है नायब तहसीलदार को पेपर लीक हुए हो 2.5 लाख रुपए पेपर भेजे हो लोग अरेस्ट हो गया रेवाड़ी में आज जज जेल में बैठे हैं फिर भी सरकार ईमानदार जुडिशरी को जज बनने को पेपर लीक हो गया हरियाणा में 1 करोड़ में बिके फिर भी सरकार ईमानदार सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर मैंने एक चीज को बताओ कि बेईमान कौन है ये तो बात करती है शुद्धि चित्री मास्टर मैंने कहा अंदर अंदर मास्टर बिठाया जाओ फिर भी मत से चित्री शुद्धि हमारी आज की चीज की घर घर जाकर प्रचार करेंगे आज गुड़गांव में 17 लाख नौकरी है और 17 लाख में हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी है 3 लाख सारे भागीदारी बैठे सरकार के अंदर दम कोनी की कानून ले आए आज आंध्र प्रदेश में जगह मुख्यमंत्री बने कानून बनाए हो कभी बनाया 70% कि हर नौकरी चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो गैर सरकारी हो 70% रोजगार दिया आपने आंध्र का बाल का गुजरात 80% को कानून बना हिमाचल उत्तराखंड को 70% को बड़े सारे जगह बीजेपी की सरकार है हरियाणा में क्यों को नहीं बढ़ा रहे क्यों खतर है बेरो ये हरियाणा का युवा ने रोजगार मिली है तो फिर गुजरात मॉडल इस प्रदेश में ला सकते मैं भी चीज खा आज आपका मिलियन लड़ाई लगे और ये बात मैं क्यों खा रहा हूँ जी दिन सरकार बनेगी आप ये चौधरी देवीलाल जी पेंशन लागू करेगी पहली कलम अरे पहलो कानून कोई बनेगा तो हरियाणा प्रदेश के सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट सारे रोजगार 75% हिस्सेदारी अपने बच्चा की होगी और यदि 75% हिस्सेदारी होगी तो 17 लाख में 14 लाख का टावर लागेगा आपका लागेगा 21,000 का लागेगा आपका लागेगा तब समझो थे आज बुढ़ापा पेंशन की क्या हालात हमारा बुजुर्ग बैठे दो महीने तक इंतजार कर लो और बैंक वाला भी आजकल इतना निकम्मा हो गया सुबह बैठावेगा बैंक में क्या का पेंशन वाला ने बाद में देखा 4 बजे की तपती दोपहर में बिठा गए 2,000 करोड़ दे फिर भी सरकार ईमानदार
साथियों इस चीज ने आप आपा मिल गए जब लड़ा जब जाके आगे कराओ और पहले पदम भी लड़ाई को अगर है तो केवल मात्र आपने 22 तारीख का सम्मान अगर 22 तारीख ने आप ऐतिहासिक संख्या में पशु मेला ग्राउंड में पहुंच गया तो फिर मानो कि एक महीने के अंदर अंदर उठा भी प्रदर्शन दिखा गया मंत्र को करोड़ों रुपए का टेंट लगा के क्यों बैठा है प्रधानमंत्री को जब तो क्या 2,00,000-4,00,000 लोग आ रहे हैं 30,000 भी को नहीं जाते अगर बढ़िया जोर लगा दिया शिक्षा वाला सारा खड़ा हो गया तो 30,000 तो आप जितने जितने ले जाओगे को ले जाओगा मर्जी खातर अगले 10 दिन घर के जाकर मैं उसको ले गया एक एक कुछ संपर्क साल में पड़े मर्जी दिन आप लाखों लोगों ने रोक तक में खड़ा कर दिया तो फिर मान लो कि एक मिनट में आप पूरे प्रदेश में मैसेज भेज देगा कि सत्ता परिवर्तन की तैयारी है मर्जी तैयार चौधरी देवीलाल जी 1987 में लहर बनाई 22 तारीख को लेकर चुनाव वाले दिन तक चाबी की लहर घर घर